हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली आप देख सकते हैं डियो का 125 का न्यू कलर, न्यू एडिशन। ये है 2023 मॉडल। तो बहुत ही ज़्यादा बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। आगे का हेडलाइट में कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। कमेंट सेक्शन में बताना कि ये कलर आपको कैसा लग रहा है। फाइनली ये आपको ब्लैक ब्लू का कम्बिनेशन आपको फाइनली देखने को मिलता है। कुछ भरा भरा सा आपको देखने को मिल रहा है। पहले जो डियो आता था उसमें कुछ अलग लगता था, बट अभी का डियो में बहुत ही कम्फर्टेबल लग रहा है देखने में और काफ़ी स्मूथ लग रहा है। और जहाँ तक डियो की 125 की बात करें तो इस सेगमेंट में बहुत ही अच्छा स्कूटी माना जाता है। और जहाँ तक इसकी आप देख सकते हैं, इसमें डियो का 125 का 3D लोगो देख सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं इसमें आपको E20 का लोगो देख सकते हैं। इसका मतलब आपको ये 2023 मॉडल का डियो देखने को मिलता है। और ये आप होंडा का लोगो देख सकते हैं। बाकी पीछे का बैक लाइट देख सकते हैं जो कि बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाया गया है, बहुत ही स्मूथ है। और आप देख सकते हैं मीटर कंसोल की जहाँ तक बात करें तो आपको फाइनली आपको फुल्ली डिजिटल मीटर देखने को मिलता है। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से प्रीमियम लग रहा है। हाई बीम लो बीम ऑन ऑफ स्विच, बाकी आप देख सकते हैं 3D का कुछ डिस्प्ले टाइप का लग रहा है। और यहाँ होंडो का ब्रांडिंग लोगो देख सकते हैं। इसमें कुछ स्पेस है कुछ सामान वगैरह रखने के लिए। और ये आप देख सकते हैं इसमें कुछ झोला वगैरह, हेलमेट भी रख सकते हैं, इसमें सीट का अंदर भी रख सकते हैं। चलिए इसका फ्रंट प्रोफाइल पे चलते हैं। जहाँ तक फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आपको फुल्ली जो हेडलाइट है उसमें आपको TRL देखने को मिलता है। और आप देख सकते हैं इसका हेडलाइट का कम्बिनेशन कुछ इस तरह से है। आप इसका जो हेडलाइट है वो आपको LED में देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, रोशनी भी काफ़ी दे रहा है। और साइड से इंडिकेटर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये नंबर प्लेट लगा सकते हैं। बाकी टायर सेक्शन की बात करें तो टायर सेक्शन भी बहुत ही अच्छा है इस सेगमेंट में। टायर सेक्शन की जहाँ तक बात करें आपको MRF का टायर देखने को मिलता है, वो भी 9090Y का 12 इंची का आगे में आपको देखने को मिलता है। जहाँ तक बैक की टायर की साइज़ की बात करें उसमें भी फाइनली आपको MRF का ही टायर देखने को मिलता है, जो कि 90x100 का 10 इंची का टायर देखने को मिलता है अभी 2LS में। और बाकी पीछे का पीसेस देख सकते हैं कुछ इस तरह से है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो जहाँ तक इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस आपको मिनिमम जो कि है एक्सोरूम का प्राइस आपको समथिंग आपको 90-95 है। बाकी डिटेल्स जानने के लिए हमारे फेपो होंडा शोरूम से आप विजिट कर सकते हैं, मतलब पता कर सकते हैं। तो यही छोटा सा वीडियो है गाइस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि यार ऐसे लेटेस्ट वीडियो में हमें सबके लिए लाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।